तो गाइस अपने यशु दादा भी आ चुके हैं जो बहुत दूर से आए हैं। सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी टाळ्या वाजवून सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे। सो जय हिंद यूट्यूब फैमिली, बैक इट अगेन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो फिलहाल हम खेत से आ गए हैं क्योंकि हमारा हरभरा जमा करने का काम था। तो भाई सुबह सुबह मस्त वो भी काम हो चुका है और अभी पानी गर्म करने को रखा हुआ है, तो नहा धो के फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए। सो गाइस फाइनली अपना नहाना धोना हो चुका है और गाइस आज है 24 मार्च। तो मैंने जैसे पिछले व्लॉग में आपको बताया था शंकरपट होने वाला है अपने गाँव में, तो चलिए वहीं पर चलते हैं और आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखो गाइज यहाँ का सीन कुछ ऐसा है और यहाँ पे ये गाड़ियाँ भी आ चुके हैं बैलों को लेके। तो चलिए अंदर से देखते हैं क्या है। तो तो देखो गाइस यहाँ पे तैयारी हो चुकी है सभी और बस शुरू होने की देरी है। तो देखो चलिए चलते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होने से पहले फेटे बांधने शुरू है सभी लोगों को। तो देखो कुछ इस तरह से बांध रहे हैं ये। और गाइस थोड़ी देर बाद इस एरिया में इतनी ज्यादा भीड़ लगने वाली है कि क्या ही बोले। तो गाइस हमारा स्टेज भी रेडी हो चुका है, देखो कुछ इस तरह का लग रहा है। और गाइस यहाँ पे एक एक करके सभी लोगों को फेटे बांधने शुरू है और अपने पास ये लिखने का काम दिया है इनके नामों को। तो गाइस अपने यशु दादा भी आ चुके हैं जो बहुत दूर से आए हैं। तो हमारे अर्पित दादा के साथ है ये नासिक को पढ़ने के लिए, तो बहुत दिनों के बाद मिल रहे है। देखो कुछ बोलना चाहोगे भाई? नहीं भाई कुछ कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस आपका साथ मिल गया बहुत भाई साहब। ये वल्लभ दादा कोपरे में बैठ के कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी फिलहाल थोड़ी देर में यहाँ पे उद्घाटन होने वाला है और शंकरपुर शुरू होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे धीरे धीरे जनता बढ़ती ही जा रही है। तो गाइस हमारे प्रेम सर भी आ चुके हैं और थोड़ी देर में इनके हस्ते उद्घाटन होने वाला है। यहाँ का प्रमुख पाहुने बनकर आ गए है और ये हमारे रुपेश दादा, इनके हाथ से वो जो रिबन होती है वो कटने वाली है। तो हाँ बोलिए कुछ दो शब्द। तो ये देखो गाइस यहाँ पे लोग अपने अपने बैलों को रास्ता दिखा रहे हैं जहाँ से उनको भागना है। तो ये देखो कुछ इस तरह से रास्ता दिखाया जाता है पहले। तो ये देखो इससे बांध के बैलों को दौड़ाया जाता है और इसे रिंगी कहते हैं गाइस, जो बैलगाड़ा टाइप रहती है पर थोड़ी हल्की रहती है। और यहाँ पे उद्घाटन होने के बाद दौड़ शुरू हो जाती है। आता आलेली जोड़ी 9 सेकंद 30 पॉइंट मध्ये आली और यहाँ पे सत्कार समारंभ शुरू हो जाता है। और यहाँ पे भीड़ देखो भाई कितनी ज्यादा बढ़ रही है। शंकरबट राहुल तालुका खामगाव जिला बुलडाना विदर्भ महाराष्ट्र वीर तानाजी क्रीड़ा मंडल की तरफ से यहाँ पे सभी आयोजन किया गया है। आता आलेली जोड़ी 7 सेकंद 27 पॉइंट मध्ये आली आहे। 7 सेकंद 27 पॉइंट अंतर झालेला आहे। खुश खबर। आता आलेली जोड़ी 7 सेकंड 65 पॉइंट। और थोड़ी देर बाद हम स्टेज पे चढ़ के मान्यवरों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और यहाँ पे व्यू देखो भाई कितना बढ़िया आ रहा है। अपने फोन की क्लियरिटी इतनी नहीं है पर फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ लग गई है कि क्या ही बोले भाई। रात्रि के समय में सुदेश शेड़के खामगाव एक शेतकरी पुत्र आहे आणि अवघा वय 14 वर्षाचा आहे। अत्यंत एक पासरी आहे
परंतु शेतकऱ्याबद्दल आणि शेतकऱ्याच्या या बैलगाडा शर्यतीबद्दल त्याला अत्यंत आवड आहे. भविष्यात येणाऱ्या काळामध्ये तो शेतकऱ्यांच्या या जिव्हाळ्याच्या अशा बैलगाड्या शर्यतीचा आमचा या खामगाव तालुक्याचा भविष्य उज्ज्वल करेल आणि आम्हाला अत्यंत त्याच्याबद्दल आज आत्मीयता वाटली म्हणून वीर तानाजी क्रीडा मंडळ राहुलच्या वतीनं एक हृदय स्पर्शी सत्कार या एका छोट्या शेतकऱ्याचा बैलगाडी शर्यतीत मित्राचा आपण ठेवणार आहोत. मी आमच्या गावचे प्रतिष्ठित नागरिक आणि आमचे सर्वांचे काका गजानराव देशमुख यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या छोट्याशा या शेतकरी मित्राचं आपण हृदयस्पर्शी असा सत्कार आणि सन्मान करावा. सर्वांनी टाळ्याच्या जयघोषामध्ये या सुदेश शेडकेचा सत्कार करायचा. सुदेश शेडके हा शंकरपट पाहण्यासाठी आलेला आहे. One eternity later. तो गाइस जो लोग शंकरपट में सहभागी होने के लिए आए हैं उनकी रात में खाने की व्यवस्था की जाती है देखो कुछ इस तरह से. तो गाइस फिलहाल रात के 10 बज गए हैं और आज भाई एकदम बढ़िया शंकरपट हो गया है. इतनी सारी क्लिप्स नहीं निकाली मैंने, थोड़ा थोड़ा ही निकाला है, बट हमारे फ़ोन की उतनी क्लियरिटी भी नहीं जितना दिखा सके, बट जितना हो सके उतना निकालने की कोशिश की है, थोड़ा थोड़ा पास वाला जितना हो सके उतना. तो हाँ बस इतना ही था इस ब्लॉग में. तो गाइस सबसे मेन बात, कल आने वाले हैं पंजाब रोडक हवामान तज्ञ हवामान अभ्यासक, तो आप उनको पहचानते ही होंगे. तो हाँ देखते हैं क्या होता है, तो मिल पाते हैं या नहीं तो वो देखना आप अगले ब्लॉग में. तो हाँ फाइनली इस ब्लॉग को करते हैं एंड. आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो. तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र. गोरन जय हिंद जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. सो गाइस तो फाइनल गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र. पर बाद में आग लग ही जाती है. ओ गणेश ऐसा कौन बसला तू रस्त्यात. रस्त्यात बसून जेवता गे भाई, रास्ते में बैठ के खाना खा रहे हैं.